कच्चे केले की सब्जी। उसके लिए हमने ये 5 कच्चे केले ले लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो लें। अब इसके ऊपर और नीचे से इस तरह काट लें और बीच से 2 हिस्सा कर लें। सारे केले को इसी तरह काट लें। इसे अब प्रेशर कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लें। केला ठंडा हो रहा है, इतनी देर हम ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है। इसमें 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 2 इलायची डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च पीसी हुई डालेंगे। इन सबको सेक के 3 से 4 प्याज पिसा हुआ डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। प्याज सिक चुका है और उसमें 3 से 4 टमाटर पिसा हुआ डालेंगे। टमाटर को भी तेल छोड़ने तक सेक लेंगे। केले उबल चुके हैं, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसे छीलेंगे। केला ठंडा हो चुका है, इसे अब हम छील लेंगे। इस तरह इसके छिलके उतार लें। बीच में से इस तरह 2 टुकड़े कर लें और इसके छिलके उतार लें। इसे धीरे धीरे करें वरना ये टूट जाएंगे। इस तरह सारे केले को छील लें। टमाटर सूख चुका है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, इन सबको डाल के सेक लें। मसालों को अच्छी तरह से सेकें। अभी इसमें तेल नहीं छोड़ा है, इसे तेल छोड़ने तक सेकना है। बीच बीच में चलाते हुए इसे सेकें। इसमें 2 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का डालें। फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। इसे डाल के अच्छी तरह से सेक लें। मसाला तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। इसे डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। और 1 कप पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना लें, गाढ़ी पतली कैसी बनानी है। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालेंगे। नमक केले के हिसाब से भी डाल लें। इसे डाल के थोड़ा उबलने देंगे ग्रेवी को। इसे चलाते हुए उबालें। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब गैस बंद करेंगे। अब एक तवा गरम करेंगे। तवे पे थोड़ा तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल को चारों ओर फैला लेंगे। और अब इस पे इन केलों को, कटे हुए केले को सेक लेंगे।
दोनों ओर से अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। इसके ऊपर से भी इसमें तेल डाल लें। एक साइड सिक जाने पे इसे पलट दें और दोनों ओर से अच्छी तरह से सेक लें। इस तरह सारे केले को पलट के और दूसरे साइड से भी इसे सेक लें। केले सिक चुके हैं, अब गैस बंद करेंगे। अब एक प्लेट में इस तरह ग्रेवी डालें। इसके ऊपर केले रखें, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें। कच्चे केले की ग्रेवीदार सब्जी तैयार है, इसे बनाएं। ये खाने और बनाने में दोनों ही तरह से बहुत ही अच्छी है।